स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिस अनीसा, इस्लामिया टीचर ऑफ क्लास 7। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 23 है। इससे पीछे लेक्चर नंबर 22 में हमने स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ी थी गज़वाए तबूक चैप्टर नंबर 11 की, और ये 5 स्टेटमेंट मैंने आपको याद करने के लिए होमवर्क में दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये काम कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर इस्लामियात नोट्स, पेज नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, गज़वाए ताबूक। आज हम 6 से लेकर 10 तक इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शाम के नबती सौदागरों ने, जो मदीना आया करते थे, इतला दी कि शाम में रोमियों ने बड़ी फ़ौज जमा की है। ईसाई, स्टेटमेंट नंबर 7 है, ईसाई अरबों की दरख्वास्त पर हरकल ने 40,000 फ़ौज भेज दी थी। स्टेटमेंट नंबर 8 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 मुसलमानों को मुकाबले के लिए तैयार किया। स्टेटमेंट नंबर 9 है, गज़वा ताबूक में मुसलमानों को शदीद गर्मी, कहत, माली बदहाली और नहायत तंग दस्ती का सामना करना पड़ा, हत्ता के 18 सवारों के लिए सिर्फ़ एक ऊँट था। स्टेटमेंट नंबर 10 है, कुरान मजीद में गज़वा तबूक को सातुल असरा यानी तंगी वाला गज़वा करार दिया गया है। एक्सप्लेन करती हूँ मैं। स्टेटमेंट नंबर 6 है, शाम के नबती सौदागरों ने, यानी कि शाम में जो सौदागर आया करते थे तजारत के लिए, उन सौदागरों ने मदीने से जाकर शाम में जाकर ये इतला दी कि रोमियों ने बड़ी एक फ़ौज जमा की हुई है हमला करने के लिए, जंग करने के लिए। यानी कि रोमियों के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज जमा है जिसके साथ वो हमला करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 में, ईसाई अरबों की दरख्वास्त पर हरकल ने 40,000 फ़ौज भेज दी थी। ईसाई अरबों की जो दरख्वास्त की थी उन्होंने हरकल से कि हमें मदद की जाए, तो हरकल ने क्या किया, 40,000 लोगों की फ़ौज जो थी ना, वो जंग के लिए ईसाई अरबों को फराहम कर दी, भेज दी। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 30,000 मुसलमानों की फ़ौज थी मुकाबले के लिए जंग में। गज़वा ताबूक में मुसलमानों को एक बड़ा, ये मुश्किल गज़वा था जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद गर्मी थी, कहत था, यानी कि खाने पीने की अशिया नहीं थी, खाने पीने को कुछ भी नहीं था, माली बदहाली थी और मालोसवाब भी नहीं था, मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, नहायत तंग दस्ती थी का सामना था, हत्ता के 18 सवारों के लिए सिर्फ़ एक ऊँट था। 18 लोग थे और सिर्फ़ एक ऊँट था 18 लोगों के लिए जाने के लिए, जंग करने के लिए। यानी कि बहुत ही बुरे हालात थे मुसलमानों के लिए, इस जंग को लड़ना नहायत मुश्किल था उनके लिए। कुरान मजीद में गज़वा ताबूक को, और फिर इस गज़वा ताबूक का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, सातुल असरा यानी तंगी वाला गज़वा करार दिया गया है। इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस गज़वा के बारे में बताया है कि ये बड़ा ही तंगी वाला गज़वा था, यानी कि मुसलमानों ने इसके अंदर बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की। आज हमने स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ी हैं गज़वा ताबूक की, चैप्टर नंबर 11 है। जो घर का काम आपने स्टेटमेंट नंबर, ये जो भी हमने पढ़ी हैं 6 से लेकर 10 तक, इनको अच्छी तरह आपने याद कर लेना और इनकी लिख के भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको भूले ना और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो। इसको लिख के भी प्रैक्टिस करिए, और इसमें से आपको पता है जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या कुछ भी काम आ सकता है आपको। लेक्चर नंबर 24 होगा हमारा नेक्स्ट, जिसमें हम इसी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 की स्टेटमेंट नंबर 11 से लेकर 15 पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।